हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया, स्वागत है। और लास्ट वीडियो के बाद आज हम बात कर रहे हैं कॉटलिन में लूप्स के बारे में। या तो लूप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आज हम कॉटलिन में जानेंगे लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। तो एज़ यूज़ुअल हर लैंग्वेज की तरह कॉटलिन में भी हमें तीन तरह के लूप देखने को मिलते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक क्लास बना रखी है, कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेन फंक्शन भी बना लिया है जिसे हम मेन मेथड भी कह सकते हैं, और JVM स्टेटिक एनोटेशन भी लगा दिया है ताकि हम कॉटलिन को रन करा पाएँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो IDE के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप जो होता है वो हम लाइक और लैंग्वेज की जैसे कॉटलिन में नहीं होता है, जिसके में होता है कि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा प्रेस किया गया है, लाइक यहाँ पे चीज़ों को छोटा किया गया है। तो कैसे यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक सिंटेक्स दिखाता हूँ फॉर लूप का। तो यहाँ पर फॉर लूप लिखते हैं। अब यहाँ पर फॉर लूप के बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक आप वेरिएबल बनाते हैं, जनरली यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होती उसका नाम देने की, जस्ट उसे एज अ इनिशियलाइज करने की। आप जस्ट एक कोई भी वैल्यू लिखें, एक कोई भी वेरिएबल का नाम दें, और एक आप इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं यहाँ पे इन। अब इन को यहाँ पर एक इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमको अपनी एग्जैक्ट एलिमेंट्स देने होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक आप यहाँ पे आप लिस्ट एरे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर 1.10। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आई जो है ये वो एलिमेंट होगा जो पिक करेगा एक एक को, और ये एलिमेंट जो है इस लिस्ट से वन से लेकर इन, मतलब कहाँ से कहाँ इन जो है वो यूज़ होगा, और 1 से 10 यहाँ पे मतलब लिखा है कि ये स्टार्ट होगा 1 से, चेक करना शुरू करेगा कहाँ तक जाएगा, 10 तक। 1 एंड 10 ऑल्सो इंक्लूडेड है यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं आई को प्रिंट कराऊँगा। तो आई जो है 1 से लेकर 10 तक चलेगा, यहाँ पे बीच में 2 डॉट, यानी कि मैंने रेंज ऑपरेटर का यूज़ किया है, डॉट डॉट ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो दैट इज़ फॉर लूप, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये आप चाहो तो नेगेटिव में भी चला सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसे ही एलिमेंट्स देने हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक एरे बना लेता हूँ, सिंपल सा वेरिएबल मैं नंबर नाम से बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक, अभी जिनको नहीं पता एरे क्या है, सिंपल सा मान लीजिए कि एरे होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे एक एरे और बना रहा हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो मैं उन नंबर्स को स्टोर करा लेता हूँ, लेकिन वो इंटीजर ही हैं सारे, या सारे के सारे फ्लोट हो, मतलब एक ही टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड एरे। अभी वेरिएबल में सिर्फ एक डेटा टाइप जाता है, बट एरे में आप मल्टीपल रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इन पे यहाँ पे नंबर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई इन नंबर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर वाले एरे से एक एक एलिमेंट को उठाएगा और उसको प्रिंट करा देगा, या हम जो भी यहाँ पर अंदर कराना चाहे, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे लाइन से प्रिंट करा दिए, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, लाइक जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं कैट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉग लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ काउ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पिग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिख दिए, तो वेरिएबल ये हमारा एक बन गया एनिमल नाम का एरे। अब इस एनिमल्स नाम का बन गया, तो अब यहाँ पर आई इन एनिमल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 by 1 हमारे सारे के सारे एनिमल्स के नेम जो है हमें देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। इसी तरीके से अगर जैसे मुझे नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है, बल्कि ऊपर से नीचे के क्रम में आना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर हम डाउन टू लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखा 1 to 10, तो यहाँ से 1 to 10 तक जाएगा। बट अगर मुझे डाउन टू जाना है तो हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो आई इन 5 डाउन टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर डाउन टू होगा, यानी कि 5 से लेके डाउन तक जाएगा, नीचे तक जहाँ तक आपको ले जाना। मैंने बोला कि भाई 0 तक ले चल, तो 5 4 3 2 1 0, तो जिस तरीके से।
अगर डाउन टू की जगह आप यहाँ पे लिख देंगे स्टेप टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई इन टू, और यहाँ पर मैंने लिखा स्टेप, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आई डॉट डॉट 10, और यहाँ पर आगे लिखता हूँ स्टेप, 1 से 10 तक है और स्टेप मैंने लिखा 2। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 से 10 तक जाएगा लेकिन 2 का स्टेप लेगा, हर बार दो दो छोड़ता जाएगा, दो बार छोड़ देगा, 1 पे गया फिर उसने 2 को छोड़ दिया, फिर 3, 3 के बाद फिर 2 छोड़ा, फिर 5, फिर 6 को छोड़ा, 7, फिर 8, 9, तो एक एक वो स्किप करता चला गया। अगर इसी तरीके से 3 कर देंगे तो वो 3 3 स्किप करेगा, 1 के बाद सीधे 4, मतलब 2 3 को स्किप किया, फिर 4 5 6 को स्किप किया, फिर 7 8 9 को स्किप किया और 10, कुछ इस तरीके से यहाँ से स्किप करा सकते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं देखने, जैसे कि मैंने आपको रेंज ऑपरेटर बताया था, तो ये सिर्फ इस इंटीजर वैल्यू पर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स वगैरह पर भी काम करता है। जैसे मैंने लिखा ए टू जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी तक उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। है व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप भी हम यूज करते हैं फॉर लूप की तरह, बस अंतर इतना होता है कि जब हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं होते हैं एग्जैक्टली कि कितने हमें कराने हैं, तो फिर हम इसका यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल पास करना होगा, कि एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ आई नाम का, जिसके अंदर मैं 1 स्टोर करा देता हूँ। अब यहाँ पर व्हाइल देता हूँ, यहाँ पे कोई कंडीशन पास करा सकते हैं, कोई स्टेटमेंट या कोई एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई इन 1 to 10, कि आई जो है ये वेरिएबल जो आई है ये कब तक चले, जब तक 1 से लेके 10 तक होता रहे, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं 1 से 10 तक मैंने प्रिंट करा दिया, तो आप इसका आउटपुट सोच सकते हैं क्या आएगा, ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, मैंने बोल तो दिया कि 1 से 10 तक चलो, लेकिन जब आई प्रिंट करता रहेगा हमेशा, ठीक है, और ये कभी प्लस होगा ही नहीं, ये तो हमेशा 1 हो रहा है, तो जब 2 होगा ही नहीं तो वो 10 कभी होगा ही नहीं, तो ये हमेशा एक इनफाइनाइट लूप बन गया। आप देख रहे हो 1 1 1 1 1 1, ये भुर्रा हो गया इसका बन तक, लेकिन हम चाहते हैं भाई 1 से 2 हो, तभी तो वो 10 पे जाके रुकेगा। तो इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक काम और करना होगा, आई प्लस प्लस, कि भाई आई प्लस प्लस भी कराता जाए। अब ये आई से लेके 10 तक जाएगा, और उसके बाद जैसे ही 10 होगा वैसे ये रुक जाएगा 1 से लेके 10 तक। ओके, तो आई इन 1 to 10 प्रिंट कराया और उसने आई प्लस प्लस, इस तरीके से करा सकते हैं। या आपके पास पहले से अगर कोई कंडीशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं, लाइक जैसे कि आई लेस देन, ये वाइल चले जब तक आई लेस देन 15, आई की वैल्यू जैसे ही 15 से कम हो तब तक ये वाली लूप के अंदर कंडीशन चली जाए, तो आई की 1 से स्टार्ट होगी और 14 तक चलेगा, बिकॉज लेस देन 15 था। अगर मैं इक्वल टू 15 कर देता हूँ तो आई 1 से लेके 15 तक पूरा चलेगा, ठीक है, बिकॉज इक्वल्स टू हो गया कि 15 तक, ठीक है, 1 से लेके 15 तक। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये वाइल लूप हो गया। सिमिलर इसी तरीके से हम डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप इज सिमिलर काइंड ऑफ लूप, बस अंतर ये होता है जब हम चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट एक बार लूप तो चलाना ही चलाना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। वाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, बट डू वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बार तो कंडीशन चलेगी ही चलेगी, डू के अंदर वैल्यू प्रिंट होगी ही होगी चाहे फॉल्स का केस ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कराऊंगा, वाइल अगेन वही सेम मैं कंडीशन देता हूँ आई इन 1 to 10। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल देना होगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल देना नेसेसरी होता है, बिकॉज मैंने आई का को कोई वेरिएबल ही नहीं दिया, तो आई को मैं पहले 1 करता हूँ। अब आई इक्वल टू 1 रखा, प्रिंट किया मैंने आई को, और फिर से इस बार आई इन टू 1 to 10 चलाया, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि ये इनफिनाइट लूप बन गया, बिकॉज 1 से स्टार्ट तो होगा, प्रिंट 1 बार करेगा भी, और उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन, लेकिन आई हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1 से 10 कभी नहीं होगा, तो कभी लूप ब्रेक नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पर करते हैं आई प्लस प्लस, और उसके बाद इसको रन कराते हैं, तो अगेन 1 से लेके 10 तक जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा डू वाइल लूप। और अगर हमारी ये कंडीशन गलत होती है इसके लिए तब भी चलेगा, जैसे आई की वैल्यू मैं 15 करता हूँ, तो आई की वैल्यू 15 हो गई, तब भी एक बार प्रिंट होगा और उसको प्लस करेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, आई इन आई लेस देन 10 तक था लेकिन हमारा तो 15 है, तो वो तो पहले ही बड़ा हो गया, तो एक बार ये प्रिंट करेगा, उसके बाद इस लूप से बाहर निकल जाएगा, इस कंडीशन से बाहर निकल जाएगा।
ये होते हैं लूप्स हमारे कॉटलिन में।